विनोद बिहारी ठाकुर जी के मंदिर में बैठे हैं और ये श्री राधा विनोद बिहारी जी का मंदिर लगभग 1643 ईस्वी से प्रतिष्ठित है और इस प्राचीन मंदिर का इतिहास प्राचीन है और ये हमारे सद्गुरु श्री गुरु जी की कृपा से उन्होंने इसका जीर्णोद्धार करवाया और जीर्णोद्धार के बाद यहाँ पर उन्होंने श्री वृंदावन स्वामी से अरदास जी महाराज जी की परंपरा से यहाँ पर सेवा अष्टायाम चालू की और उसी पद्धति से आज तक यहाँ पर हरि गुरु संतों की कृपा से अष्टायाम सेवा हो रही है। इस अष्टायाम सेवा में यहाँ पर सुबह प्रातःकाल मंगला से सेवा प्रारंभ होती है, 5 बजे मंगला होती है और फिर 5:30 को ठाकुर जी की श्रृंगार सेवा होती है और 7 बजे तक फिर श्रृंगार आरती होती है। आरती के बाद फिर ठाकुर जी की अष्टायाम सेवा के अंतर्गत फिर राजभोग आरती होती है, उसके बाद 7 बजे उत्थापन आरती होती है, 4 बजे उत्थापन आरती होती है, 7 बजे फिर और ठाकुर जी की अपनी संध्या आरती होती है, फिर ठाकुर जी का ब्यारू भोग लगता है 8 बजे, उसके बाद ठाकुर जी की यहाँ पर 10 बजे से पहले संत भक्तों के द्वारा संकीर्तन होता है, पदों का गायन होता है वृंदावन के रसिक संतों का, उसके बाद ठाकुर जी की यहाँ पर सहन आरती होती है। इस प्रकार यहाँ पर अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा होती है ना। और इस मंदिर में वार्षिक उत्सवों की श्रृंखला में यहाँ पर ठाकुर जी के जो वृंदावन के स्वामी श्री अरदास जी महाराज जी की परंपरा के आचार्य उत्सव सभी मनाए जाते हैं। इस मंदिर में 21 वार्षिक उत्सव मनाए जाते हैं जिसके अंतर्गत यहाँ पर ठाकुर जी का पाटोत्सव माघ पूर्णिमा से लेकर ठाकुर जी के होली उत्सव, बसंत उत्सव, रास महोत्सव, पावस महोत्सव इत्यादि सारे उत्सव वृंदावन के मनाए जाते हैं जिनमें जन्माष्टमी राधाष्टमी मुख्य होते हैं। तो जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर ठाकुर जी की विशेष भव्य संपूर्ण ग्रामवासियों का भक्तों का आगमन होता है, भक्तों के द्वारा यहाँ पर ठाकुर जी की बधाइयाँ गाई जाती है और ठाकुर जी का लिए विशेष भव्य श्रृंगार होता है और ठाकुर जी की बधाइयों के साथ 12 बजे धूमधाम से नाम संकीर्तन के द्वारा और बधाइयों के द्वारा ठाकुर जी की सेवा होती है और उसके बाद ठाकुर जी की महाप्रसादी वितरण होती है। इसी प्रकार यहाँ पर और सारे आचार्य उत्सव वार्षिक उत्सव मनाए जाते हैं और यहाँ पर ठाकुर जी की विशेष कृपा से स्वामी जी विराजमान हैं, आचार्य विराजमान हैं, स्वामी श्री अरदास जी महाराज जी और उनके परंपरा के आचार्य विराजमान हैं और यहाँ पर हमारे हरि गुरु की सब ये कृपा की देन है, समस्त ग्रामवासियों पर कृपा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ठाकुर जी का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, इसे पाठोत्सव कहते हैं। इस पाठोत्सव की श्रृंखला में ठाकुर श्री राधा विनोद बिहारी जी का के लिए वृंदावन के रसिक संतजन महंतजन आते हैं और वो सब समस्त ग्रामवासियों पर कृपा बरसाने के लिए, अपना लाड़ बरसाने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ पर भक्तमाल भागवत जी सत्संग के द्वारा समस्त ग्रामवासियों को अपने रस से सराबोर करते हैं, अपनी कृपा से सराबोर करते हैं और उन्हीं की कृपा से समस्त ग्रामवासी आज भक्ति के इस रस में डूबे हुए हैं कि समस्त ग्रामवासी बड़ी धूमधाम से श्री वृंदावन की रस उपासना का लाभ ले रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, बस यही कृपा है। मेरा नाम श्री श्यामा सरन जी महाराज। दीपक पांडे, लोकल 18, खरगोड़।